वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नाम क्या आपका? सर मेरा नाम सर्विस पांडे है। यहाँ पर आप कितने दिन से लगे हुए हैं? सर ये मेरा पहला है। अच्छा, आपका पहला दिन? पहले दिन कितना मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मन से काम किया? पूरा पूरे मन से काम किया। और मैं छुट्टी लेकर आया हूँ स्पेशल इसी के लिए, दिन महोत्सव मनाने के लिए। मतलब जिस तरीके से योगी बाबा आए तब से बदलाव क्या आया यहाँ पर देखा जाए? बदलाव तो सर आपको दिखाई दे रहा है, हमारी जनता को बताइए बदलाव क्या है? बदलाव ही बदलाव है सर। किस वे में बदलाव क्या है अभी देख लो, ये जो दिए बने हुए हैं कुम्हारों को इससे रोजगार मिला हुआ है। अभी पहले क्या था, पहले लोग मोमबत्ती से जला लेते थे, चांदी लाई लगा लेते थे, और जो ये जिसका ये मिट्टी से बना हुआ आइटम है इसमें कोई प्रदूषण नहीं है और इससे दूसरे को भी रोजगार मिल रहा है। मतलब रोजगार की अगर मद्देनजर देखा जाए तो दीपोत्सव है, हमारे विश्व में बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है, यूपी की बात हो रही है, योगी की बात हो रही है, लेकिन एक तरफ रोजगार भी मिल रहा है देखा जाए तो। इससे सर आप देख ही रहे हो दोनों काम हो रहा है, एक दीप महोत्सव मनाया जा रहा है जो ओल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, और दूसरा जो मिट्टी से बन रहा है तो दूसरे को रोजगार भी मिल रहा है, इससे कई आदमी को रोजगार भी मिल रहा है। बार बार से लोग देखने आ रहे हैं, जो दुकानदार उनको भी रोजगार मिल रहा है, हर तरफ से रोजगार मिल रहा है सर। मतलब योगी के आने से बदलाव काफी हुआ है? बदलाव बहुत हुआ है सर। और प्रशासन, आप शासन में देख लीजिए, जैसे पहले जो गुंडा राज था अब तो वो खत्म ही हो गया है। हमें तो ऐसा लग रहा है भी खत्म हो रहा है अभी, हमें तो ये लग रहा है, आपको अभी आप लोग देखें या जनता देखे कैसा लग रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि योगी सरकार आने के बाद बदलाव यहाँ पर दीपोत्सव की वजह से विश्व में भी भारत, यहाँ पर भारत की बात होती है, यूपी की बात होती है, अयोध्या की बात होती है, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार की बात होती है। और एक बार फिर से वही नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ दिए जलने स्टार्ट हो गए, थोड़ी देर में यहाँ पर सारे दिए जल जाएंगे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।